आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ बथुए का रायता। बथुआ हमने अच्छे से धोकर उसकी पत्तियां निकाल कर उसे सबसे उबाल लिया। ये देखिए एक बंच था, ये एक गड्डी जो होती है अभी विंटर्स में इजीली अवेलेबल होती है, ये हम ले लेंगे। इसे हमने उबाल के रख लिया। ये है दही, 1 कप दही, इसे अच्छे से फेंट के रख लिया है। इसमें हम यूज करेंगे जीरा, नमक, लाल मिर्ची पाउडर, हींग और घी। ये इसके इसमें तड़का जो लगेगा उसके लिए यूज करेंगे। और थोड़ा सा जीरा हम ड्राई रोस्ट करके ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम एक जार में बथुआ पीस लेंगे। अच्छे से मिक्सी में पीस लेंगे। ये हमने बथुआ अच्छे से पीस लिया, साथ ही हमने ये जीरा भी ड्राई रोस्ट कर लिया था तवे पे। इसे हम बेलन की सहायता से क्रश कर लेंगे। हल्का मोटा मोटा भी रख सकते हैं क्योंकि जीरा मुंह में भी आता है तो अच्छा लगता है खाने में। ये हम पीस कर अलग रख लेते हैं। और अब हम स्टार्ट करते हैं रायता। रायते में ये हम 2 चम्मच बथुआ, बथुए का पेस्ट। एक बंच में हमें काफी सारा पेस्ट मिल जाता है तो आप उसे अच्छे से पीस कर स्टोर करके भी रख सकते हैं। जब भी आपको रायता बनाना हो तभी आप उसको दही में ऐड करके सारे मसाले उसमें डाल के इंस्टेंट अपना रायता रेडी कर सकते हैं। उसे आप 1-2 दिन तो फ्रिज में रख ही सकते हैं। और आप ज्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं तो आप पूरा पेस्ट इसमें डाल सकते हैं। मैं ये रायता 2 लोगों के लिए बना रही हूँ। ये देखिए हमारा मिक्सचर रेडी हो गया। इसमें हम स्वाद अनुसार नमक, रेड चिली पाउडर थोड़ा सा स्प्रिंकल करने के लिए रखेंगे ऊपर से, और ये फ्रेशली क्रश जीरा पाउडर डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। जीरा पाउडर बहुत अच्छे से खुशबू आ रही है इसमें। रायता आपका ये रेडी है एकदम। अब हम इसका तड़का तैयार करेंगे। तड़के के लिए हमने ये पैन रख लिया, गैस ऑन करेंगे, हल्की रखेंगे गैस थोड़ा। इसमें हम 1 टेबल स्पून घी डाल दें। वन पिंच हींग इसमें डालेंगे। ये जीरा, इसे थोड़ा भुनने देते हैं। इसमें बचा हुआ हल्का सा रेड चिली पाउडर डाल देते हैं। इससे हल्का सा रेड सा कलर आता है। हमारा तड़का भी तो रेडी हो गया। अब हम इसमें तड़का फिर से सस्पेंड करेंगे। देखिए अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। इसमें जीरा पाउडर, देखिए हमारा बथुए का रायता रेडी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।